अगर बात कर लेते हैं दीपावली के पर्व की, जी हाँ, दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का उत्सव है। इस प्रकार प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार गरीबी, बीमारी, भ्रष्टाचारी जैसी सामाजिक बुराइयों की मुक्ति का बीड़ा उठा चुकी है और तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। समय राजस्थान से बात करते हुए राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब कटारिया ने कहा कि राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार है और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और समय राजस्थान ने राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया हमारे साथ में हैं। दीपावली का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर ये पर्व ले जाता है। राजस्थान में और देश में किस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लोगों को ले जाया जाएगा, आपने अब तक क्या अचीवमेंट किया और क्या निखार लाएंगे? देखो, क्या है कि दीपावली का जो पर्व है वो भगवान राम ने रावण पे विजय नहीं की, मैं सोचता हूँ कि भगवान राम ने उन बुराइयों का अंत किया जिसके कारण से व्यक्ति की गिरावट होती है। एक तरह से रावण का वध का मतलब यह है कि जितनी भी बुराइयां था उनका वध किया और उनका वध करके देश को सच्चाई की ओर लाने का प्रयत्न किया, एक तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का ही प्रयत्न हुआ। राजस्थान की अगर बात करें, गृह मंत्रालय आपके पास में है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय में, क्या आपने किया है और क्या और भी करने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिस विभाग में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह उनकी मांगे काफी बढ़ती जा रही है, किस तरह का? मैं सोचता हूं कि पुलिस और पुलिस के सारे अधिकारी और कर्मचारियों की मदद के कारण राजस्थान ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है कि 21% इन 15 में 16 में और 17 के अभी तक अक्टूबर तक आईपीसी के अपराध में जो गिरावट आई वो देश के किसी राज्य में नहीं आई। लेकिन फिर भी सिपाही जो है वो मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या है कि उनको एक गलत फहमी यह है कि जो हमारे यहाँ पे बढ़ गया था उसको पे घटा करके हमसे वसूली करेंगे, जैसा कि ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट सब कमेटी बनी, उसने अपनी राय दे दी, कोई कटौती नहीं की और सातवां वेतन आयोग की गिफ्ट और उनको दे दी। राजस्थान में राजनीति का अगर ले तो जिस तरह से अब चुनाव आएंगे, किस दल की क्या स्थिति होगी ये तो समय लगाएगा, लेकिन भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है, लोगों को क्या ऐसा अचीवमेंट देने वाली है, और नेतृत्व का अगर सवाल है तो नेतृत्व क्या भाजपा निर्णय कर? देखो, क्या देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारे को जिस प्रकार से जीवन में खुशहाल बनाने का प्रयत्न किया, मेरे 40 साल की राजनीति में इतने छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार शुरू हुआ, इसलिए किसी को निराश होने का कोई कारण ही नहीं। अगली सरकार फिर भाजपा की दिल्ली में भी और राजस्थान में बनेगी, इसमें कोई संदेह करने का सवाल ही पैदा नहीं। नया नेतृत्व मिलेगा भाजपा को? भाजपा पार्टी जो निर्णय करती है वो नया ही नेतृत्व होता है, किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम जो कुछ काम करते हैं अपना व्यक्तिगत नहीं करते हैं, देश के लिए करते हैं, पार्टी के लिए करते हैं, पार्टी का जैसा आदेश हो उसके पालन करेंगे। काम सभी को करना है और सबको आगे बढ़ाना है। हेमंत श्रीमाली, समय राजस्थान, उदयपुर। और बहुत छोटा